अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मामीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा। हरी मिर्चों का कीमा है ये। कीमा आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी और चिकन भी। कीमा चाहिए हमें 1 पाव। 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 1 अदद हमारे पास छोटी प्याज है, 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून नमक है, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, और गरम मसाले में हमारे पास 1/2 टीस्पून काली मिर्ची हैं, 3 अदद लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची, आधी प्याली हमारे पास घी है। ये प्याज हमने रखी है, इसको जो आपने थोड़ी सी अलग रखी है, इसमें हम मसाला भुनेंगे और ये जो बाकी है ये हम एंड पे धो के दम पे डालेंगे, तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चले चल के बनाते हैं। हरी मिर्चों का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं घी, तकरीबन 1 कप घी है, आधी प्याली। घी हमारे पास मेल्ट हो गया है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने थोड़ी सी डालनी है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसका मसाला भूनना है। बाकी प्याज को हम धोएंगे अच्छी तरह और एंड पे डालेंगे। प्याज खुल गई है, इसमें हम गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। ये हमारे पास तकरीबन 1/2 टीस्पून काली मिर्ची हैं, 3 लौंगी थी और 1 बड़ी। लहसुन डाल रही हूँ मैं, चॉप हुआ है, 1 टेबल स्पून। शामिल करें ये भी 1 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें 6 से 7 अदद थी तकरीबन, इसमें से हम थोड़ी सी डालेंगे अभी मसाला भूनने में, और बाकी फिर हम दम पे डालेंगे। बाकी कीमा शामिल कर रहे हैं, 1 पाव है हमारे पास, तो अच्छी तरह आपने भूनना है ताकि स्मेल ना आए। साथ ही नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप जैसे जायका यूज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना है, जो दानेदार नमक यूज करते हैं उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वो क्विकली बन जाएगा, इसको आप नाश्ते में स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जल्दी से बन जाता है। घर में चिकन इस्तेमाल होता है, आप चिकन में बनाएं, बीफ होता है बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। क्योंकि हरी मिर्चों का कीमा बना रहे हैं इसलिए इसमें हमें लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल होगा। ये देखें अच्छी तरह कीमे की चयन निकल गई है और सब पानी भी खुशक हो गया। हम टमाटर शामिल कर रहे हैं, 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं, तकरीबन 1/2 पाव के बराबर। इतना कोई भी बन गया है, ये टमाटर गलेंगे तो हम दम पे फिर हरी मिर्चें और प्याज डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगा। अभी ये टमाटर अद गले हैं क्योंकि अब भूनेंगे नहीं इसको, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये प्याज मैंने जो काटी थी इसको अच्छी तरह धो लिया है, इसका सारा पानी निकाल दिया, अब हम ये डाल देंगे और साथ में हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज सबको पता है बहुत जल्दी बहुत क्विकली गल जाती है, इसलिए इसको दम पे डाला है, और ये हरी मिर्चें जो हमारे पास गलती हैं डालेंगे और हम ढक देंगे। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसकी पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में, उसको प्लीज चेक करिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये हरी मिर्चों का कीमा हमारे पास तैयार हो जाएगा दम पे रखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।